जी हाँ दोस्तों, कैरिबियाई देश के बारबाडोस के ब्रिजटाउन में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में मेजबान वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। आप सभी को बता दें कि तीसरा मैच बीते सोमवार देर रात को खेला गया, जहां मैथ्यू वेड ने अपने करियर का 11वां अर्धशतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में चैंपियन बना दिया। एक्टन अगर को मैन ऑफ द मैच व मिशेल स्टार्क को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ हमें मैच में खास देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, वेबसाइट के अनुसार वेस्टइंडीज की टीम टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 45.1 ओवर में 152 रन पर ही ऑल आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 30.3 ओवर में 4 विकेट पर 153 रन बनाकर आसान जीत दर्ज करी। दोस्तों, ये वेस्टइंडीज़ के नज़रिए से बहुत ख़राब बात है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप नज़दीक है और ऐसे में तो ये 20 ओवर का स्कोर है जो 152 इन्होंने बनाया है, बल्कि 45 ओवर में ऑल आउट होते होते इन्होंने इतना बनाया। अब दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की भले से आसान जीत रही, लेकिन एस्टन अगर ने 10 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट झटके, वहीं बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाते हुए नाबाद 19 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। इनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। अब दोस्तों, मेजबान वेस्टइंडीज़ की ओर से ओपनर इविन लुइस ने नाबाद 55 रनों की पारी खेली। सबसे ज़्यादा पारी यही थी। लेविस ने वेस्टइंडीज़ का एक छोर लगातार थामे रखा, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। होप 14 रन बना पाए, हिटमायर 6 रन बना पाए, ब्रावो 18 रन, निकोलस पुरन 3 रन, कप्तान पोलार्ड 11 रन और जेसन होल्डर 5 रनों का ही योगदान दे सके। अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से दोस्तों, सर्वाधिक 3 विकेट मिशेल स्टार्क ने हासिल करे, वहीं हेजलवुड और जेम्पा ने भी 2-2 विकेट हासिल करके वेस्टइंडीज़ की बल्लेबाजी को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर रखा था। जहां T20 मुकाबले में दोस्तों वेस्टइंडीज़ का परचम लहराया, तो यहां पर ODI मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना दमखम दिखाकर इस सीरीज़ पर कब्जा जमा लिया और ये सीरीज़ बड़ी ही आसानी से दोस्तों तीसरा मुकाबला जीत लिया। जो दूसरा मुकाबला था दोस्तों, वो गुरुवार को ही होना था, लेकिन कोविड केसेस निकलने के चलते सैटरडे को हुआ था वो मुकाबला। उसमें भी दोस्तों शानदार जीत रही थी, लेकिन पहला ODI जबरदस्त रहा था, उसमें एक टक्कर का मुकाबला देखने को मिला। बाकी दोनों ODI दोस्तों थोड़े फीके साबित हुए। अगर क्रिकेट प्रेमियों की नज़र से देखें कि एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी कि अगर वेस्टइंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें भिड़ गई हैं तो रोमांचक मुकाबला देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत पहले ये मुकाबला जीत लिया था। कहाँ दोस्तों, 20 ओवर बचे थे, 30 ओवर के अंदर ही इस मैच को जीत लिया था। 4 विकेट गिरी थी, एक समय पर लगा था कि ऑस्ट्रेलिया भी हार जाएगी, लेकिन यहाँ से पारी को संभाला मैथ्यू वेड ने और अच्छी पारी को अंत दिया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।